इन देखते हैं कोरोना के नाम पर पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है और क्या सलूक किया जाता है। देखिए, भाई दिखा देगा, एक मिनट यार, मेहमान मेहमान दिखा रहा है भाई, एक मिनट दिखा देंगे वो, दिखा दो थोड़ा पीछे, एक मिनट भाई, एक मिनट दिखा देगा, एक मिनट दिखा रहा है, एक मिनट। लियाकत हॉस्पिटल, लियाकत हॉस्पिटल, लियाकत, लियाकत हॉस्पिटल का ये इस ठीक है भाई, देख लिया, और आप जगह देते जाओ ना यार, जल्दी जल्दी भैया, वीडियो बाद में बना लेना यार, बना के दे दूंगा आपको मैं। भाई खामोश हो जाओ, ए खामोश हो जाओ भाई, चलो यार, चलो भाई, भाई दिखा दो यार, दिखा दिखाओ, जाने में देंगे वहां से, चलो भाई अंदर लो, देख लिया ना, कहां दिखाया है भाई, भाई हम इस वक्त लियाकत में मौजूद है, लियाकत हॉस्पिटल में ये पेशेंट को लाया गया था कल और रात को इनका ऑपरेट था और इनको कहा गया कि कोरोना है और इनकी बॉडी ले जा रहे हैं। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बंदर बैठ के दिखा दे, बंदर भाई छोड़ दो, पैसे की खातिर सारा काम हो रहा है, वो मिलना चाहिए इन लोगों को। लेकिन लोगों का कहना ये इनको कोरोना नहीं था, तो बात ये गाड़ी से दिखा दे भाई, गाड़ी हटना, गाड़ी की वीडियो बोलो, जाओ यार आप खोलो जाके शकल, आगे खड़े हो जाओ, जम आ रहा है, यार वेट ही नहीं कर रहा, कोई पागल हो भाई, गाड़ी नहीं जाएगी यहाँ से, चूतिया वाली हरकत कर रहे हो तुम लोग यार, दिखाएगा शक्ल फिर जाएगी गाड़ी आगे, तुम लोग अपनी बातें कर रहे हो, खड़े हो गए, शोर कर रहे हो, जाओ बोल अंदर आके, बंदा घुस के, हां किसी और का तो नहीं डाल दिया, हाँ देखो देखो भाई, हाँ बोलो इसको, ये भी सही है, देखा चेहरा भाई, चेहरा देख के जाने देंगे हम लोग, यहाँ इसको खोलो ना,
कबर में कोड़े पड़ेंगे सबको। हर पे कोड़े पड़ेंगे सबों की बड़ों की। जानी बंदा हमारा वहाँ पे तो मौका भी नहीं देगा, वहाँ मौका नहीं मिलता भाई, वहाँ अंदर जाते वो रखेगा ही नहीं फिर बॉडी। चलो भाई पहले गाड़ियाँ साथ लगाओ उसके बाद जाने देना। वहाँ मौका पहले गाड़ियाँ लगाओ भाई, वहाँ मौका भी नहीं देगा आपको, मौका भी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट के हाथ में रही भाई, ये गाड़ी नंबर है ये मैं आपको दिखा दूँ, ये रुकेगा, इसने कहा है कि हम आपको बॉडी दिखाएंगे अगर ये गाड़ी मूव होगी, ठीक है, चेहरा देखेंगे हम, कंफर्म करेंगे हमारा बंदा है नहीं। जाओ ये नहीं देखने देंगे गवर्नमेंट के हाथ में, यही तो भाई गाड़ी रोक स्टार्ट, गाड़ी पार्किंग से निकालो, पार्किंग से गाड़ी भाई देर हो रही है मुझे, चल देर हो रही है, देर काम है, उनको निकलने देते। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस वक्त हम लोग लियाकत में मौजूद थे, नहीं नहीं यहाँ से आ जाओ, हम लोग लियाकत में मौजूद थे और जिनका ये पेशेंट था उनका कहना था कि इसको कोरोना नहीं है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, बेबस लोग हैं, लाजमी बात है, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये बात ये है कि कुछ कोई नहीं कर सकता ना, जो हुकूमत है वक्त करेगी वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सर आप मेरा नंबर ले लें, लिख ले मेरा नंबर, अभी वहीं जा रहे हो ना सर आप घोटना? नहीं नहीं मैं अपने काम से जा रहा हूँ सर, एक मिनट पकड़ोगे, लाइव चल रहा है, जानिए पकड़ो इसको, मेरी आई डी में बता जीरो सलामुअलैकुम। ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, मगर उसमें ये भाई हमारे शुरू में क्योंकि आप भेज दो, भेज क्या आपका जैन गुलशन डॉन व्हाट्सएप दोनों व्हाट्सएप। तो बात ये है कि लाजमी बात है, हम लोग इस वक्त लियाकत में मौजूद, एक भाई की कॉल आई थी जिसकी वजह से हमें आना पड़ा, क्यों हमारे इलाके का यहीं से निकलेगा ना ये कौन ये गाड़ी चलेगा नहीं वहाँ से निकलेगा, तो इनका कहना ये था कि यार रात को हमने अपना पेशेंट एडमिट किया था, हालांकि उसका महीने से ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन रात को उन्होंने लाजमी बात एडमिट करते, जो डॉक्यूमेंट्स पेशेंट के होते हैं वो हॉस्पिटल में जमा करा दिए जाते हैं, तो उन्होंने वो जमा करा दिए, तो अब लाजमी बात उनके पास, इनके घर वालों के पास कोई प्रूफ ही नहीं रहा कि हमारे पेशेंट को क्या है, तो लाजमी हाथ कट गए, तो अब होना ये था सुबह उसकी, रात को ऑपरेट किया तो सुबह उसकी डेथ होगी, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इसको कोरोना है। अब बात ये है कि क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर एक बात सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अल्लाह देख रहा है, जो नाजायज़ करेगा उसने क़यामत के दिन अल्लाह के आगे जवाब देना है। हमने फ़र्ज़ अपना अदा किया रोज़े में, भाई की कॉल आई लेकिन मैं पहुंचा, मैंने कहा जानी आप कोई मसला नहीं, आप भाई हो हमारे, हम ज़रूर पहुंचेंगे, हम लियाकत पहुंचे, ये हमारे भाई हैं माजिद भाई, इन्होंने मुझे कॉल की, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने बुलाया, तो अभी हम घर के लिए निकलते, लेकिन बात ये हो रही है कि ये खेल है क्या समझ नहीं आता, तमाशा बना हुआ है कि अगर कोरोना है तो इतने सारे लोग घूम रहे हैं हॉस्पिटल में, अमला घूम रहा है तो कुछ नज़र नहीं आता, कोई मास्क नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन बात फिर मैं ये कहूँगा कि बस बेबसी और बेहसी के अलावा कुछ नहीं कह सकते,
कोई कुछ नहीं कर सकता। बात ये जो करते हैं तो वो क्या करेंगे भाई, तो कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ समझ नहीं आया हमारी कि गाड़ी किधर है। भाई भाई गाड़ी ले आओ, आ जाओ। हाथ धोने किसके हाथ धोने? अबे छोड़ो, कोई कोरोना नहीं है यार। अबे नहीं है, हाथ में धो ले भाई। जो मेरे रब ने जिंदगी रखी है वो रखी है, बिल्कुल है वो। हाथ धो ले के मुंह नहीं धोयो। अबे नहीं यार, रोजा फिर लगेगा। कुल्ली करने का थोड़ी किसने बोला? तुम्हारे कपड़ों से साफ कर लूं? हां कर लो। चलो हो गया, आ जाओ। सही है, आ जाओ। तो अभी हम पार्किंग में इस वक्त मौजूद हैं और अभी हम निकलेंगे, हमें काम से भी जाना था, लाजिमी बात है। तो मैं फिर ये कहूँगा कि भाई खौफ़े खुदा कर लें, क्योंकि लाजिमी बात है वो गरीब लोग हैं जो, तो वो भी डरते हैं ना कि हम अगर बोलेंगे तो फिर पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, हमें भी हमारे घर को भी वो जो है ना वो सील कर देंगे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ना अजीब सी मतलब एक कैफियत है। तो डर तो सबको होता है क्योंकि भाई मिडिल क्लास लोग हैं, डर लगता है। तो बाद में फिर यही कहूँगा कि कोशिश करते हैं, अल्लाह बेहतर करे, लेकिन बस जाने वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन ये गलत है, अगर उसको मैं अगर कोरोना है तो गुड है, लेकिन अगर नहीं था तो ये बहुत गलत है। लेकिन कयामत के दिन जवाब ज़रूर देना है, उस डॉक्टर ने भी देना है और जो जो अमला इसमें इन्वॉल्व था उन सबको इस चीज़ का जवाब देना है।